नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार का नाम जब भी आता है तब तब बिहार की बदहाल हुई शिक्षा व्यवस्था का जिक्र हर बार किया जाता है और अब तक शिक्षा व्यवस्था की भी खूब किरकिरी हुई है, जिसके बाद अगर कोई आपसे कहे कि बिहार में जिलावार साक्षरता दर की लड़ाई है तो आपको मेरी बात मजाक लगेगी। हालांकि ये सच है। सरकार द्वारा प्रकाशित जनसंख्या जनगणना 2011 का विस्तृत विश्लेषण में खुलासा हुआ है, चालू दशक में बिहार राज्य का घनत्व 2863 प्रति वर्ग मील है। आज हम आपको बिहार के ऐसे 10 जिलों का नाम बताने वाले हैं जो साक्षरता के हिसाब से सबसे आगे है। इस सूची में 10वें स्थान पर है जहानाबाद। सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार का जहानाबाद जिला इस सूची में 10वें स्थान पर है। इस जिले की साक्षरता दर 66.80% है, जिसमें पुरुषों का साक्षरता दर 77.66, वहीं महिलाओं का 55.01% है। मुगल सम्राट औरंगजेब, जिनके समय में पुस्तक को फिर से लिखा गया था, उन्होंने लोगों की राहत के लिए एक मंडी की स्थापना की और यहीं पर मंडी का नाम जहां आरा रखा गया था। समय के दौरान ये जगह जहां आराबाद के रूप में और बाद में जहानाबाद के रूप में जाना जाने लगा। इस सूची में 9वें स्थान पर है अरवल जिला। सेंसस 2011 की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार का ये जिला 9वें स्थान पर है, जिसकी साक्षरता दर 67.43% है। जहां पुरुषों की साक्षरता दर 79.06 है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 54.85% है। 8वें स्थान पर है बिहार का कैमूर जिला। सेंसस 2011 की तरफ से जारी रिपोर्ट में कैमूर जिले को 8वां स्थान मिला है। इस जिले की साक्षरता दर 69.34% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.37% है तो वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 58.40% है। 7वां स्थान है बिहार का सिवान जिला। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का यह जिला साक्षरता के मामले में 7वें स्थान पर है, जहां की साक्षरता दर 69.45% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.23, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 58.66% है। इसके बाद 6ठे स्थान पर है बिहार का बक्सर जिला। सेंसस 2011 की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार इस जिले की साक्षरता दर 70.14% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.72%, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 58.63% है। इसके बाद 5वें स्थान पर है बिहार का औरंगाबाद जिला। सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अनुसार औरंगाबाद जिले की साक्षरता दर 70.32% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.11%, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 59.71% है। इस सूची में 4ठे स्थान पर है मुंगेर जिला। बिहार का मुंगेर जिला साक्षरता के हिसाब से पूरे राज्य में 4ठे स्थान पर आया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जिले का साक्षरता दर 70.46% है, जहां पुरुषों का साक्षरता दर 77.74%, वहीं महिलाओं का साक्षरता दर 62.08% है। इसके बाद अब है भोजपुर जिला। साक्षरता के लिहाज से भोजपुर जिले को पूरे बिहार में 3रा स्थान मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के इस जिले का साक्षरता दर 70.47% है, जिसमें पुरुष आबादी 81.74% साक्षर है, वहीं महिलाओं की 58.03% आबादी साक्षर है। अब इस सूची में 2रे स्थान पर हम बात करेंगे पटना जिले की। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना जिला, जहां बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होने के दावे किए जाते हैं, साक्षरता के मामले में 2रे स्थान पर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की राजधानी की साक्षरता दर 70.68% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 78.48% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 61.96% है। अब बारी है पहले स्थान की। साक्षरता के हिसाब से बिहार के रोहतास जिले को सबसे अव्वल माना गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जिले की साक्षरता दर 73.37% है, जिसमें पुरुषों की 82.88% आबादी शिक्षित है, वहीं महिलाओं की 62.67% आबादी शिक्षित है। यानी कि समूचे बिहार में रोहतास जिलावासी साक्षरता के मामले में सबसे आगे है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है, अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।